जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भूगोल विषय में आपकी अंतिम यूनिट शुरू कर रहे हैं और आपकी इस अंतिम यूनिट में तीन चैप्टर हैं, 23वां, 24वां और 25वां। जैसे कि आपको जानकारी है, ये तीनों चैप्टर यानी अंतिम जो यूनिट है आपकी, ये 10 नंबर की है। यानी राजस्थान की ये तीनों यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 10 नंबर की है तो अपने आप ही ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और तो उस कड़ी में आज अपने 23वां जो चैप्टर है, राजस्थान में सिंचाई और पेयजल यानी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर वाली जो यूनिट का जो चैप्टर है, उसको हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जल संसाधनों पर बात करेंगे। हम टॉपिक को शुरू करें उससे पहले एक जल के इम्पोर्टेंस को बताई गई एक राजस्थानी कविता है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि हमें पता है जल ही जीवन है। कह घी डुले तो मारो की नहीं बिगड़े, पानी डुले तो मारो जियो जल जे। पानी शू फसलां पके, फल फूलारो ढेर, पानी जद रूठे तो धरती पर अंधेर। पानी जद रूठे तो धरती पर अंधेर। सही पता है हम सबको भी पानी के बिना कुछ भी नहीं है, जल है तो कल है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इजीली हम जिसके बारे में अच्छे से समझते भी हैं। बस हमें परीक्षा की दृष्टि से हमें इस चीज को आत्मसात है, वो करना है, उसे समझना है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं भी वाटर रिसोर्सेस यानी जल संसाधन है वो किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा की बात आ जाती है। तो देखिए, जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी है या जिनके उपयोग की संभावना हो, उन्हें जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान की अगर बात करूं तो राजस्थान में अधिकांश जल संसाधन है वो दक्षिणी पूर्वी भाग तक ही सीमित है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति जल की जो वार्षिक उपलब्धता है, यानी एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितना जल उपलब्ध होता है, तो उसकी जो मात्रा है वो है 780 घन मीटर है, जो कि कम है, क्योंकि कम से कम 1000 घन मीटर पानी हमें उपलब्ध होना चाहिए, जो केवल कितना है, 780 घन मीटर है। एक नंबर वाले प्रश्नों में से पूछे जा सकते हैं भी राजस्थान में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता कितनी है, तो 780 घन मीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है हमारा देश जो राज्य है राजस्थान, वो देश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान ही है जिसके अंदर देश की न्यूनतम वर्षा होती है। तो भारत में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है वो भी कौन सा है, राजस्थान है। और हमारे राजस्थान में आपको पता है मरुस्थल भी है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध होने में अत्यधिक कठिनाई है और इस कारण राजस्थान में जल संसाधन का अत्यधिक महत्व है। और उसी महत्व को दर्शाती हुई हमने स्टार्टिंग में कविता है वो भी पढ़ी है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहां हमने इस टॉपिक को समझा है भी जल संसाधन क्या है। कई बार क्या होता है, बोर्ड में इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में जल संसाधन का अत्यधिक महत्व है, समझाइए। एक नंबर या दो नंबर में आपसे बात पूछ लेगा। ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है तो आपको यही आंसर लिखना है, जिसमें हम परिभाषा लिख देंगे, जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो, जल संसाधन कहते हैं। राजस्थान में अधिकांश जल संसाधन दक्षिण पूर्व भाग तक सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 780 घन मीटर है। राजस्थान देश का न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध होने में अत्यधिक कठिनाई है। इन कारणों से राजस्थान है वो जल संसाधन का अत्यधिक महत्व है वो राजस्थान में।
तो ऐसा प्रश्न अगर आ जाता है, यही लाइन अगर प्रश्न बन के आ जाती है, तो आपको ऊपर वाली बातें हैं वो उस उत्तर में आपको लिखनी है। अब आप देखिए, राजस्थान के जो जल संसाधन हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न है, राजस्थान के जल संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है सतही यानी धरातलीय जल संसाधन और दूसरा है भूमिगत। सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। तो राजस्थान के जल संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब एक एक करके इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सतही जल संसाधन पर। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को ही समझ लेते हैं भी सतही जल संसाधन का क्या मतलब है। सतही यानी धरातल पर, धरातल पर चाहे बहता जल है चाहे रुका हुआ जल है, और हमारे लिए अगर लाभप्रद है, मानव के लिए अगर लाभप्रद है, तो उसे ही कहा जाता है सतही जल संसाधन। तो देखिए, परिभाषा रूप में धरातलीय सतह के ऊपर मिलने वाले प्रवाहित व स्थिर जल को जो मानव के लिए उपयोगी है, सतही जल संसाधन कहलाता है। अब बात करें राजस्थान में संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत जो पानी है वो सतही जल के रूप में उपलब्ध है। तो देखिए, सतही जल की उपलब्धता संपूर्ण भारत का मात्र 1.16%, यानी राजस्थान में सतही जल कितना उपलब्ध है, 1.16% है वो उपलब्ध है, बहुत कम है। और इसमें भी अगर दोहन योग्य जल की अगर बात करूं तो वो तो 1.72% ही है। अब बात करें भी सतही जल संसाधन के प्रमुख प्राकृतिक नेचुरल स्रोत कौन से होते हैं, तो आप समझिए, नेचुरल सोर्स होते हैं नदियां, झीलें और तालाब। तो सतही जल के प्राकृतिक स्रोत हैं नदियां, झीलें और तालाब। और अगर आपसे कोई पूछ ले भी आर्टिफिशियल स्रोत बताओ, कृत्रिम स्रोत कौन से हैं, तो मुख्य है अपनी नहरें, उसके अलावा हम बांध भी बना लेते हैं। तो नहरें और बांध है वो हमारे आर्टिफिशियल स्रोत है, और नेचुरल स्रोत है वो नदियां, झीलें और तालाब है। ये भी अपने आप में एक एक नंबर वाले प्रश्न है वो बन सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है, नदियां हैं, झीलें हैं या तालाब हैं, इन जल के प्राकृतिक स्रोतों से ही हम क्या निकालते हैं, नहरें निकाल लेते हैं, यानी कृत्रिम जो स्रोत हमारा बनता है। तो जल के प्राकृतिक स्रोतों से नहरें निकालकर जल का व्यापक क्षेत्र में यानी एक बड़े क्षेत्र में उपयोग है वो किया जाता है। तो यानी चाहे वो सिंचाई के लिए किया जाए, चाहे पेय जल यानी ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो नदियों से हम नहरें निकाल लेते हैं तो और ज्यादा इलाके तक हम उस पानी को पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार आपको पता है राजस्थान में झीलें भी पाई जाती है, खारे पानी की झीलें भी हैं और मीठे पानी की झीलें भी हैं। तो पेयजल में और सिंचाई में हम मीठे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हम बता सकते हैं भी मीठे पानी की झीलें हैं वो पेयजल और सिंचाई के लिए हमें जल प्रदान करती है, जल है वो उपलब्ध करवाती है। उसके बाद हमने तालाब का जिक्र भी किया है, तो तालाब भी सतही जल का एक अच्छा स्रोत है, और राजस्थान में लगभग 450 बड़े तालाब हैं। 450 हैं वो बड़े तालाब है वो राजस्थान में हमें मिलते हैं। इन तथ्यों को जब हम समझ लेते हैं तो हमारे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए भी राजस्थान में सतही जल संसाधन है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इन बातों से ये बात क्लियर होती है। तभी अगर आप बोर्ड के प्रीवियस पेपर देखोगे तो उसमें अक्सर एक साल छोड़कर ये प्रश्न जरूर आ जाता है कि राजस्थान में सतही जल संसाधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्यों, या क्यों महत्वपूर्ण है राजस्थान में सतही जल संसाधन। अगर ये लाइन आपके प्रश्न बन के आ जाती है तो फिर ये रहता है भी इसके उत्तर में हम क्या लिखें। तो इसके उत्तर में ये ऊपर वाली बातें आपको सारी लिखनी है भी क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम परिभाषा भी लिख सकते हैं भी धरातलीय सतह के ऊपर मिलने वाला जो प्रवाहित और स्थिर जल है वो मानव के लिए उपयोगी होता है, उसे हम सतही जल संसाधन कहते हैं, और ये 1.16% है। नदियां, झीलें, तालाब है वो सतही जो जल संसाधन के प्राकृतिक स्रोत है, इनसे नहरें निकाली जाती है जिससे व्यापक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है।
मीठे पानी की जो झील है वो भी, उनसे भी हम पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, तालाब भी एक अच्छा स्रोत है। तो ये सब बातें अपने आप में क्लियर करती है भी राजस्थान में, क्योंकि मरुस्थली स्टेट है, हमने यहां भी बात की भी मरुस्थली क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने में अत्यधिक कठिनाई है, तो यहां हमें इन चीजों से सहायता मिलती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को और सिंचाई के लिए जो पानी की उपलब्धता की जो समस्या है उनको दूर करने में। तो इसलिए राजस्थान में सतही जल संसाधन है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे भी, एक एक लाइन में ऐसे प्रश्न आए तो वो हो ही गए, और अगर एक या दो नंबर में ये आ जाता है क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको उत्तर में ये ऊपर वाली सारी बातें हैं ये वहां पर लिखनी है। अब हम देखते हैं सतही जल संसाधन में हमारे सामने नदियों, झीलों और इन तालाबों का जिक्र आया है, तो हम थोड़ा सा इन दो चीजों को मुख्यतः जो राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं और राजस्थान की जो प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं वो कौन कौन सी है उनको भी यहां पर हम समझ लेते हैं। तो अब इसी सतही जल संसाधन में प्रमुख नदियां और झीलों की बात कर लेते हैं। अपने जल प्राप्ति का जो प्रमुख स्रोत है हमें पता है वो वर्षा है, जो हमें धरातलीय और भूमिगत जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब सतही जो हमारा है जल संसाधन, सतही जल संसाधन में हम राजस्थान की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है भी राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन सी है, तो चंबल, बनास, लूणी, माही, बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, परवन, मेज और जोजड़ी। और ये राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। चार पांच नदियों के नाम अवश्य आपको याद रखने हैं और याद भी होंगे ये मैं मानता हूं आपको, और इसके बाद आपको याद रखने हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की भी झीलें हैं और मीठे पानी की झीलें हैं, लेकिन हमें यहाँ सिंचाई और पेयजल के रूप में हमें पता है किसका इस्तेमाल करते हैं, मीठे पानी की झीलों को ही इस रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मीठे पानी की झीलें याद रखनी है। अब एक चीज, कई बार क्या होता है बोर्ड परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलों के नाम बताओ या उदयपुर की दो झीलों के नाम लिखिए। आपको पता है राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को ही कहा जाता है, तो उदयपुर की प्रमुख मीठे पानी की झील है जैसमन झील, पिछोला झील और फतेह सागर। जैसमन, पिछोला और फतेह सागर झील है ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है तीनों। अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो अजमेर में दो प्रमुख हैं, आना सागर झील और पुष्कर झील है। आना सागर झील और पुष्कर झील किस जिले में है, अजमेर जिले में है। और अगर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो कायलाना और बालसमंद झील है वो जोधपुर में है। कायलाना झील और बालसमंद जो मीठे पानी की झील है ये जोधपुर में है। तो इसके अलावा आपको एक एक प्रमुख झीलें और दी गई है डिस्ट्रिक्ट वाइज ही। राजसमंद के अंदर राजसमंद झील ही है, अलवर के अंदर सिलीसेट झील है, कोलायत झील है वो बीकानेर में है, नवलखा झील है वो बूंदी में है, नवलखा कहाँ है, बूंदी में, और गेट सागर झील है वो डूंगरपुर में है, नक्की झील, माउंट आबू का नाम सुना है आपने, नक्की झील है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, बंद बारेठा है वो भरतपुर में है, रामगढ़ जो झील है वो जयपुर में है। तो कोशिश कीजिएगा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर इनके नाम याद रह जाए, वरना चार पांच आपको मीठे पानी की झीलों की जानकारी होना चाहिए। और अगर आप इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आपके अपने इसी चैनल के ऊपर एक एक झील के बारे में पूरा विस्तृत वीडियो है वो बने हुए हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो चैनल के ऊपर ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है राजस्थान के संदर्भ में इन्हीं सतही जल संसाधन वाले टॉपिक में, क्योंकि राजस्थान में आपको पता है पानी की समस्या थोड़ी रहती है, तो एक भारत सरकार ने भी एक प्लानिंग की है और उस प्लानिंग को कानूनी रूप देने वाला जो स्टेट है वो अपना राजस्थान है। और वो प्रोजेक्ट क्या है, वो है नदियों को जोड़ने वाला, नदियों को जोड़ने वाला, ध्यान दीजिए बहुत ही, क्योंकि राज्य को सिंचाई
और पेयजल की समस्या से अगर निजात दिलाना है हमें, तो हमें इस प्रोजेक्ट पर बहुत ईमानदारी से काम करना होगा। और वो प्रोजेक्ट कौन सा है? नदियों को जोड़ने वाला। इसमें क्या किया जाता है, अधिक जल वाली जो नदी होती है उसको कम जल वाली नदी के साथ आपस में नहर बनाकर आपस में जोड़ दिया जाता है। तो नदियों को जोड़ने वाला कानून बनाने वाला भी हम बनाएंगे। कानून बनाने वाला जो राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, नदियों को जोड़ने वाला कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य स्टेट है वो कौन सा है? तो वो राजस्थान है। तो बच्चों ये था सतही जल संसाधन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमने उसके परिभाषा, प्रमुख स्रोतों को, प्रमुख नदियां, झीलों और नदी जोड़ने वाले कानूनों के बारे में हमने यहां जानकारी प्राप्त की। अब बात करते हैं जल संसाधन का दूसरा जो रूप है, जिसको हमने भूमिगत या भू जल संसाधन है वो नाम दिया है। अब सबसे पहले उसी तरीके से जैसे हमने सतही जल संसाधन की परिभाषा पढ़ी, हम भू या भूमिगत जल संसाधन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि सतही जल संसाधन और भू जल संसाधन में अंतर दीजिए, तो आपको दोनों की परिभाषा दे दीजिए, एक अंतर हो जाएगा। दो अंतर पूछे तो इसके प्रमुख स्रोत बता दीजिए भी, नदियां, झीले, तालाब वो हैं, और इसके प्रमुख स्रोत बता दीजिएगा, तो दो अंतर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो परिभाषा की बात करते हैं, भू जल संसाधन किसे कहते हैं? तो धरातलीय सतह के नीचे, वहां हमने लिखा था ऊपर, धरातलीय सतह के नीचे एकत्रित जल जो मानव के लिए उपयोगी है उसे भूमिगत या भू जल संसाधन है वो कहते हैं। फिर आता है इसके प्रमुख स्रोत। भूमिगत जल संसाधन के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूप है वो इसके प्रमुख स्रोत हैं। और इन कुएं और नलकूपों की अगर हम बात करें तो कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 70% और कई जगह आपको 66% भी मिलेगा। तो आप एक आंकड़ा याद रख लीजिएगा, कोई भी लगभग 70% या 66%, तो लगभग 70% जो भाग है वो इससे सिंचित होता है। तो कुएं और नलकूप द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 70% भाग है वो सिंचित होता है। और आगे जाके इसी चैप्टर में आंकड़ा है वो एक जगह 66% दिया है, जब हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, और वहां हमें ये बताया भी 33% है वो नहरों से होता है, और 66% है वो कुएं और नलकूप से होता है, और 1% है वो अन्यों से, तालाब से या अन्य किसी से वो सिंचाई है वो हो जाती है। तो सतही जल संसाधन के बाद भू जल संसाधन में आपको इतनी चीज है वो परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखनी है। एक और प्यारा प्रश्न यहाँ पर बन जाता है और अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में भू जल की समस्याएं कौन सी है, या कोई दो समस्याएं लिखिए। भू जल संसाधन की दो प्रमुख समस्याओं की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक अच्छा प्रश्न बन के आ सकता है बोर्ड परीक्षा में। पहला आप लिख सकते हो भू जल का गिरता स्तर, यानी वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है, तो भू जल का गिरता स्तर। और दूसरा है फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या। आप अच्छे से परिचित हो इसी से, तो राजस्थान के अंदर फ्लोराइड और खारे पानी की जो समस्या है वो अत्यधिक है। तो ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जो भू जल की समस्याएं होती है। तो राजस्थान में भू जल का गिरता स्तर और फ्लोराइड और खारेपन की समस्या, ये दो महत्वपूर्ण है, और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये भी एक प्यारा प्रश्न है वो बनता है। तो अब तक हमने पढ़ा भी जल संसाधन किसे कहते हैं, जल संसाधन के दोनों भाग सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन को हमने यहां पर अभी समझा है। और मैं चाहता हूं लगे हाथ हम इसका एक और अच्छा प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, वो है जल संरक्षण। तो अब हम वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण को अच्छे से समझते हैं। जल संरक्षण में सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा पर। जल का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग व रखरखाव करना तथा इसे व्यर्थ होने से बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। यानी सोच समझकर इस्तेमाल करना है और इसे व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट है वो नहीं करना है, उसे हम जल संरक्षण कहते हैं, वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। उसके बाद एक प्रश्न बन सकता है राजस्थान के संदर्भ में
क्या राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को अपनाना चाहिए? क्यों भी राजस्थान में जल संरक्षण टेक्निक को क्यों अपनाना चाहिए? तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि राजस्थान में हमेशा वर्षा की कमी तथा सूखे की संभावना बनी रहती है। राजस्थान में हमेशा वर्षा की कमी तथा सूखे की संभावना बनी रहती है, इसलिए यहाँ जल संरक्षण की तकनीक को अपनाना आवश्यक है। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधियों को या तरीकों को बताइए। तो कम से कम चार नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये जो परंपरागत विधियां हैं हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्षेत्र विशेष भी है। तो अब बात करते हैं हम जल संरक्षण की परंपरागत विधियां कौन सी है, क्या चीज़ बनाते हैं जल को बचाने के लिए। एक तो है खड़ीन, खड़ीन बनाई जाती है, नाड़ी, जोहड़, तालाब, कुंड, कुई या बेरी जिसको कहा जाता है, टांका, बावड़ी, झीलें और झालरा। तो खड़ीन, नाड़ी, जोहड़, तालाब, कुंड, बेरी, टांका, बावड़ी, झीलें, झालरा, ये सारी वो टेक्निक है जो हम परंपराओं से, परंपरागत प्राचीन टाइम से, हमारे बुजुर्गों के टाइम से पानी को बचाने के लिए इनका इस्तेमाल है वो करते आ रहे हैं। अब इन विधियों को हमें, इन तरीकों को बचाए भी रखना है। तो इस आधार पर एक प्रश्न बन जाता है कि जल संरक्षण के प्रमुख उपाय बताइए। अगर आपसे सामान्य प्रश्न आ जाता है कि जल संरक्षण के उपाय लिखिए, तो चार पांच उपाय आपको याद रखने हैं। तो जल संरक्षण के उपायों की बात करें तो पहला है कि परंपरागत जल संरक्षण के साधनों की रक्षा करनी चाहिए, जो हमने ऊपर यहाँ पढ़े हैं, तो इन साधनों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा आता है कि जल संरक्षण की नवीन विधियों को अपनाना चाहिए। जल संरक्षण की जो नई विधियाँ हैं उनको हमें अपनाना चाहिए, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। तीसरा है कि आम जनता को जागरूक करना चाहिए, हमें उनको समझाना होगा भी ये क्यों जरूरी है। और उसके बाद जलाशयों में, चाहे कोई भी है, ये तालाब है, नदी है, झीलें हैं, तालाब कोई भी, तो इन जलाशयों में औद्योगिक अपशिष्टों को नहीं डालना चाहिए। हर इंडस्ट्री का जो वेस्टेज होता है वो हमें इन नदी नालों में, झीलों में, तालाबों में है, वो नहीं डालना चाहिए, ये भी एक उपाय है। और इसी कड़ी में बात करें आगे तो जलाशयों के पास कपड़े नहीं धोने चाहिए। बहुत से लोग कपड़े धोने के लिए नदी नालों, झीलों, तालाबों के किनारे पहुँच जाते हैं और पूरा साबुन का और कपड़ों की जो गंदगी है पानी में बहा देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जलाशयों के पास कपड़े नहीं धोना चाहिए, कपड़े भी नहीं धोना चाहिए और हमें उनमें नहाना भी नहीं चाहिए। जलाशयों में हमें स्नान है वो नहीं करना चाहिए। और उसके साथ पानी में जो जलीय खरपतवार उग जाती है, खरपतवार मतलब अनचाही जो चीज़ है वो उग जाती है, तो जल में उत्पन्न जो खरपतवार है उनको हमें हटा देना चाहिए। तो ये प्रमुख सात उपायों की बात की है जो कि जल संरक्षण में हम अपना सकते हैं। अब परिभाषा होगी क्यों अपनाना चाहिए, परंपरागत विधियां कौन सी है इसकी, और जल संरक्षण के उपाय, सामान्य उपाय क्या हो सकते हैं उसकी बात की। अब हम इसमें अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं और वो है जल संरक्षण की नवीन विधियां, न्यू टेक्निक। और ये भी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा 3 नंबर या 4 नंबर में ये प्रश्न है वो आ सकता है। और ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जल संरक्षण की किन विधियों को अपनाकर जल को बचाया जा सकता है। ध्यान दीजिए प्रश्न की भाषा पर, जल संरक्षण की किन विधियों को अपनाकर जल को बचाया जा सकता है। तो किन विधियों को अपनाकर जल को बचाया जा सकता है, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आपको यहां से उसका आंसर है वो लिखना है। और सामान्य आ जाए जल संरक्षण के उपाय लिखें तो आप इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। तो जल संरक्षण की किन विधियों को अपनाकर जल को बचाया जा सकता है, तो उसमें हम इन नवीन टेक्निक की बात यहां पर करने जा रहे हैं। नंबर 1 है कि सिंचाई की नवीन तकनीक
न्यू जो टेक्निक है, जैसे फुहारा पद्धति हो गई, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति हो गई, हमें उनको अपनाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा है कि भूमिगत जल का विवेकपूर्ण यानी सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, वरना भूमिगत जो वाटर लेवल हमने बात की वो कम होता जा रहा है अगर हम अननेसेसरी उसका इस्तेमाल करने लग गए। और तीसरा आता है कि वर्षा जल का संचयन करना चाहिए, जो बारिश का पानी है उसका अपने घरों में खेतों में उसका है वो संचयन कर लेना चाहिए, जिसके लिए हम बोलते हैं एक शब्द कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाया जाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और बड़ी अच्छी बात है, आजकल जो लोग अपने मकान बनाते हैं रहने के लिए आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाने लग गए हैं, भी छतों का जो पानी है उसको स्टोर करने हैं वो लग गए हैं बारिश के समय। तो वर्षा जल का संचयन है वो हमें करना चाहिए। और उसके बाद है कि अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिकाधिक जो वृक्ष है वो हमें लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात मैं कहूँ तो वनस्पति का जो विनाश हो रहा है उस पर हमें कंट्रोल करना होगा, और हमें पता है वृक्ष है वो बारिश करवाने में सहायक होते हैं, तो इसलिए हमें अधिकाधिक वृक्षारोपण है वो करना चाहिए। उसके बाद है अपशिष्ट जल जो होता है, चाहे उद्योगों का है चाहे घरों का है, उस अपशिष्ट जल का शोधन करके उसे पुनः काम में लिया जाना चाहिए, अपशिष्ट जल का शोधन करके उसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये भी एक उपाय है जल संरक्षण की नई विधियों में। उसके बाद है कि कृषि पद्धति और फसल पैटर्न में परिवर्तन करना चाहिए, कृषि पद्धति और फसल पैटर्न में परिवर्तन है वो हमें करना होगा, हमें जो पानी के आधार पर ये डिसीज़न करना है भी किस प्रकार की फसल बोई जानी चाहिए और फसल चक्र को भी हमें अपनाना चाहिए। और सबसे लास्ट में बात करें तो छोटे तालाब और बांधों का निर्माण है वो करना चाहिए। सीधी सी बात करूं जो परंपरागत हमारे जो जल संरक्षण की विधियां हैं उनको अपनाना चाहिए, भी छोटे तालाब बांध है उनका निर्माण है वो करते रहना चाहिए। तो ये 7 प्रमुख नवीन विधियां हैं आज के टाइम की जो जल संरक्षण, अर्थात इनके आधार पर हम जल को बचा सकते हैं। अब एक प्रश्न, एक नंबर के प्रश्न के अंतर्गत राजस्थान पत्रिका आपने पढ़ी होगी, राजस्थान पत्रिका हर साल एक जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाती है, बड़ा ही सराहनीय कार्य है वो करते हैं, तो ये भी प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है भी राजस्थान पत्रिका जल संरक्षण के लिए किस अभियान को संचालित करती है, तो उस अभियान का नाम है अमृतम जलम, यानी जल ही अमृत है। तो राजस्थान पत्रिका का अमृतम जलम अभियान है वो जल संरक्षण का एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है, तो ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें टॉपिक को समझने के साथ साथ ये भी हमारा उद्देश्य रहता है भी हम उसमें प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसको भी हम अच्छे से कवर कर लें। मैंने आपको शुरू में ही कहा था ये जो 23, 24 और 25 तीन चैप्टर है ये 10 नंबर के हो गए हैं, अब पहले ये 5 नंबर के होते थे, इनका वेटेज बढ़कर अब 10 नंबर का हो गया है, तो इसलिए इनकी एक एक लाइन है वो बोर्ड परीक्षा के लिए है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने हर तथ्य से आपको रूबरू करवाया है। और ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें हमने जल संसाधन, सतही जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन के साथ साथ जल संरक्षण को भी अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।